today we are going to learn subject Hindi for grade 1. Take out your Hindi Rimjim textbook, Rimjim 1, and page number 25. चलो स्टार्ट करते हैं. लेसन नंबर 4, पत्ते ही पत्ते. राइट डाउन टुडेज डेट 10/8/2021. पत्ते ही पत्ते, पत्ते ही पत्ते यानी बहुत सारे पत्ते, लीव्स. चलो पढ़ते हैं. दीदी बोली, दीदी बोली, मैं 5 तक गिनूंगी, मैं 5 तक गिनूंगी. गिनती शुरू करने से पहले, गिनती यानी काउंटिंग. 1, हम कोई भी गेम खेलते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो हम काउंटिंग करते हैं पहले 1, 2, 3. तो दीदी ने बोला कि मैं 5 तक गिनूंगी, गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ. क्या बोला? मैं गिनती जब तक शुरू करूं, उससे पहले आप सब लोग एक राउंड बनाकर बैठ जाओ. 1, 2, 3, 4. 5 बोलने से पहले ही मैं दौड़ी. एक जो बच्ची है वो बोल रही है कि 5 तो बोलने से पहले ही मैं दौड़ी. और टर्न योर पेज, और धड़ाम से बैठ गई. ये जो गर्ल है, ये जो लड़की, वो बोल रही है कि दीदी 5 तक काउंट करे, उससे पहले मैं फटाफट भागी और धड़ाम से बैठ गई. उधर दीदी ने गिनती पूरी की और इधर हम सब गोला बनाकर बैठ गए. उधर दीदी ने जो काउंटिंग बोला था कि 5 तक मैं काउंट करूंगी, वो पूरा किया और इधर हम सब राउंड बनाकर बैठ गए. देखो यहाँ पर पिक्चर, पेज नंबर 27. आज दीदी पत्ते लेकर आई थी. आज दीदी क्या लेकर आई थी? तरह तरह के डिफरेंट यानी अलग अलग पत्ते लेकर आई थी. देखो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लीव्स है. कितने सारे पत्ते, तरह तरह के पत्ते. कितने सारे पत्ते, सब ऐसा बोलने लगे कितने सारे पत्ते, और तरह तरह के यानी अलग अलग डिफरेंट यहाँ पर पत्ते हैं. हमने पत्तों को अच्छे से देखा. बच्चे बोल रहे कि हम सब ने पत्तों को एकदम अच्छे से देखा. कुछ पत्ते कैसे थे? तो कुछ पत्ते लंबे थे, तो कुछ गोल थे, उनका शेप राउंड था. एकदम गोल, कोई तो एकदम प्रॉपर सर्कल कैसा होता है राउंड, उसका जैसा था. कुछ छोटे थे और कुछ बड़े. बहुत सारे अलग अलग पत्ते हमने देखे. कुछ पत्ते की जो आकार थी वो लंबी थी, कुछ पत्ते लंबे थे, कुछ गोल थे, एकदम राउंड जैसा मतलब गोल दिख रहा था, कुछ छोटे थे और कुछ बड़े. टर्न योर पेज. देखो, एक था लाल. बच्चे बोल रहे कि इसमें से जो एक पत्ता था वो कैसा था? लाल रंग का था. एक पत्ता पीला और कत्थई रंग का था. एक पत्ता कैसा था? आधा पीले रंग का था और आधा कत्थई रंग का था, यानी चॉकलेट कलर का था, ब्राउन कलर का था. देन एक पत्ते पर नसें दिख रही थी. हम कोई भी लीव्स ले तो पता है उसके जो ऊपर है हमें नसें, उसकी जो नसें होती है ऐसे हम उसको टच करें तो हमें फील होता है. तो एक पत्ता कैसा था कि उसके ऊपर हमें नसें दिख रही थी. एक पत्ता कतरीला था. कतरीला यानी कटे हुए आकार का. देखो हमें लगे कि ये पत्ता कैसा है कि किसी ने आगे से काट दिया हो, लेकिन वो तो ऐसा ही ग्रो करता है. तो एक पत्ता उसको कहते कतरीला था. नेक्स्ट वन, एक पत्ते का डंठल एकदम सीधा था. डंठल यानी पौधों की शाखा. जो ट्रीज होते हैं और उसके अंदर जो शाखा होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, तो वो कैसे ग्रो करता है एकदम सा सीधा सा. तो ये जो लीव्स है, डंठल यानी उसका जो वो जो लीव्स है, वो जो ब्रांचेस में से जो ग्रो होता है, पौधों की शाखा में से जो ग्रो होता है, उसका ये जो पत्ता था वो एकदम कैसा था? एकदम सीधा था. ये जो पत्ता था वो एकदम सीधा था. एक पत्ता झालर वाला था. झालर वाला यानी एकदम लहरेदार. उसको पकड़ो ना तो ऐसे ऐसे करके लहरे वो अपने आप, इतना सॉफ्ट. तो एक पत्ता कैसा था? झालर वाला था यानी लहरेदार. हवा आए या ना आए तो भी ऐसा ऐसा करके वो हिले.
पेज नंबर 29। हमने पत्तों को छूकर देखा, बच्चे बोल रहे कि हमने क्या किया, सारे जो डिफरेंट टाइप्स के पत्ते थे उनको टच करके देखा, छूकर देखा। कोई पत्ता एक तरफ से मुलायम था, मुलायम यानी एकदम सॉफ्ट था, किसी को टच करो तो एकदम सॉफ्ट हमें फील आता है ना। तो एक कोई एक पत्ता था जो एक तरफ से यानी यहाँ अगली तरफ से एक साइड से वो कैसा था, एकदम सॉफ्ट था। तो दूसरी तरफ से खुरदरा यानी हार्ड टाइप, हम उसे टच करें तो हमें क्या लगता है, वो सॉफ्ट होता है और एक कहता है हार्ड होता है, हमें लगे कि वो पत्थर कैसा हार्ड होता है, वैसे ही एक तरफ सॉफ्ट था तो दूसरी तरफ कैसा था, एकदम हार्ड था। उसको टच करें तो ऐसे हमें सॉफ्ट जैसी फीलिंग ना आए, एकदम हार्ड कोई चीज हो वैसी फीलिंग आए। तो कुछ पत्ते बंधनवार जैसे लग रहे थे, तो कुछ पत्ते कैसे लग रहे थे, बंधनवार। बंधनवार का मतलब क्या होता है, माला जैसा, जैसे हमें लगे कि जैसे फूलों की माला कैसी होती है, एक फूल, एक दूसरा फूल, तीसरा फूल, तो फूलों का तो हार बनता है। जैसे मोती की माला कैसी होती है, सीक्वेंस वाइज मोती की माला 1, 2, 3, 4 रखे, वैसे बंधनवार यानी माला, जैसे पत्तों की जैसे माला बनी हो ना, देखो पीछे में पत्तों की जैसे माला बनी हो ना, कुछ पत्ते तो हमें ऐसे लग रहे थे। इसलिए इस चैप्टर का नाम है पत्ते ही पत्ते, यानी इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स के पत्ते के बारे में बात की गई है। अब आपको क्या करना है, होमवर्क में बगीचे में जाओ, पत्ते देखो, उन्हें हल्के से हाथ लगाओ, कैसा लगा। अपने आसपास से तरह तरह की पत्तियां इकट्ठी करो, आपके घर में या आसपास में कोई गार्डन हो, अलग अलग सी पत्तियां लीव्स लेकर आओ और यहाँ पर ये कागज पर चिपकाओ। तो ये आपका HWA, ओके। कल हम मिलेंगे तो आपको मैं कठिन शब्द यानी उस लेसन, ये लेसन के हार्ड वर्ड्स लिखाऊंगी। ओके, बाय एवरीवन।